ये है कि जब भी मैं व्लॉग नहीं कर रहा हूँ तो हम मास्क लगा के बैठे हैं, और ये देखो ये मास्क लगाती आँखों में एकदम वो भाप जम जाती है। तो अपडेट ये है कि ट्रेन में अभी फ़िलहाल अगस्त में खाना वगैरह मिल रहा है, तो जैसे नॉर्मल चाय वाले आते थे और जो ब्रेकफास्ट वाले आते थे तो वो सब आ रहे हैं। जो दिन का और रात का खाने का ऑर्डर लेते थे शायद वो भी होगा। चाय चाय, तो हाँ चाय वगैरह सब आ रही है। मैं आपको बीच बीच में दिखा रहा हूँ बाहर का सीन, एकदम यू नो हरा भरा है, ऊपर नीला आसमान और नीचे हरा भरा यू नो खेत आ रहे हैं, पेड़ वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि अभी एकदम बारिश हुई थी तो बारिश के बाद हम निकले हैं ना, तो चारों तरफ एकदम हरा हरा है। यहाँ से दिखेगा नहीं लेकिन मैं जो आपको अलग अलग क्लिप्स में दिखा रहा हूँ उसमें आप देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। तो एक ये है कि जब आपको ट्रैवल करना है और बारिश के बाद आपका कोई प्लान बनता है तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि बारिश के बाद तो नो मैटर कोई सी भी जगह है वहाँ पे तो आपको ऐसा नज़ारा दिखेगा ही। अगर आप बारिश के बाद ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये जो ट्रेन थी इसका नाम पहले था एपी एक्सप्रेस, फिर था तेलंगाना एक्सप्रेस, और अभी है हैदराबाद न्यू दिल्ली स्पेशल। पहले इसका टाइमिंग था 6:25 इन द मॉर्निंग, और अभी हैदराबाद से इसका टाइमिंग है 6 बजे, और दिल्ली पहुंचा देगी अराउंड 7, तो थोड़ा टाइमिंग में चेंज है। तो अगर आप बुक कर रहे हो हैदराबाद टू न्यू दिल्ली तो कंफ्यूज मत होना, ये एक अपडेट था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूँ। तो अभी सिकंदराबाद का नेक्स्ट स्टेशन आया है काजीपेट, जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो इससे याद आया कि जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे ज़्यादा और दिल्ली से जब वापस आते थे हैदराबाद, तो जैसे ही काजीपेट आता था तो लगता था कि अब आ गया है, सिकंदराबाद आ जाएगा, फिर हैदराबाद आ जाएगा, तो लगता था कि अब बहुत पास है। अभी हो रहा है 11:29, नेक्स्ट स्टेशन है बल्लारशाह। महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हम लोग, हमेशा जब भी बल्लारशाह आता था तो हम वहाँ से लंच लेते थे अपना, तो मतलब मैं ये वो कहानी बता रहा हूँ जब हम ट्रेन में जाया करते थे ज़्यादा। आजकल नहीं होता है, आजकल फ्लाइट पकड़ते हैं सीधा दिल्ली, लेकिन आज फिर आए हैं ट्रेन में। और जब बल्लारशाह आएगा तो उससे पहले एक नदी आती है, तो हम जैसी वो नदी आती है तो उससे हम लोग पता कर लेते थे कि हाँ बल्लारशाह आने वाला है। ये बल्लारशाह जो स्टेशन था यहाँ से हम लोग खाना वगैरह लिया करते थे, तो बस नीचे उतर के बस वही फील कर रहा था। हम तो ले आए अपना लंच, बस अब अंदर जाके लंच करते हैं। चलो क्या है आज लंच में हमारी? अचार है, मास्टर शेफ, और आलू की सब्जी है, अरे वाह ठीक है, और पराठी, अचार की दुकान, आम का अचार ही नहीं, और पराठे हमने जो सुबह सुबह भागा दौड़ी करके बनाए थे, सारे घी के है, देसी घी घर का,
मम्मी को तो लगी है भूख और मैं भी बस हाथ धो के खाना खाता हूँ, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आ गया चंद्रपुर रेलवे स्टेशन और इसके बाद आगे जाके 4 बजे के आसपास आएगा नागपुर। लंच वगैरह हो गया है तो ये उठाएंगे बेड अपना और सो जाएंगे, फिर उसके बाद जो भी रेलवे स्टेशन आ रहे हैं पता नहीं जो भी आएगा वो हम मिस करेंगे, उसके बाद जब उठेंगे शाम को फिर दिखाएंगे कि आगे की जर्नी कैसी हो रही है। आई होप आपको अब तक की जर्नी सही लग रही होगी और अगर लग रही है तो पता है ना आपको क्या करना है। बारह बजे के आस पास बस अभी उठ रहे हैं, चाय दी है हमने। सो टाइम हो रहा है रात के 8 और अभी हम लोग इटारसी पहुंच गए हैं। इटारसी के बाद ग्वालियर वगैरह आएगा, फिर सुबह सुबह आगरा आएगा, मथुरा आएगा। और ये देखो पहले जो ये होता था ट्रेन में, मतलब रोकने के लिए जो हम खींचते थे एक वो ऐसा सीधा सा होता था, अभी कुछ डिज़ाइन चेंज है। आई थिंक इसको ऐसे पकड़ के नीचे खींचना है, गलती से भी मत खींचना वरना फिर पता नहीं क्या होगा, तो आई थिंक ऐसे पकड़ के खींचना है, लेकिन डिज़ाइन चेंज हो चुका है तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग को भी बता दूँ। तो हमारा खाना आ चुका है, हमने मंगाई है बिरयानी, देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। वैसे तो पता है कि नॉर्मल सा टेस्ट होगा, बट अगर कुछ अच्छा रहा तो बताऊंगा मैं। एकदम बॉइल्ड चावल टाइप्स था, ना नमक ना मिर्ची ना मसाला, तो फिर हमने अचार के साथ खाई बिरयानी। तो 5 में से कितने नंबर दोगे? 5 में से 2 तो मैं भी 5 में से उसको 2 नंबर दूंगा। तो भोपाल पहुंच चुके हम लोग और इस वैसे इसका टाइम 9:45 था, लेकिन अभी जल्दी है थोड़ा, ट्रेन 9:39 में आ गया एंड होपफुली सुबह 8 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे हम लोग सुबह, तो वो देखते हैं कैसा होगा। इसके बाद तो बस सो जाना है, फिर रात को आएगा आपका झांसी आएगा, ग्वालियर आएगा एंड देन आगरा वगैरह आएगा, तो वो तो रात में निकल जाएगा, तो अब सीधा सुबह ही मिलते हैं। जैसे हम उठे तो हम थे बल्लभगढ़ में, तो मोस्टली 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे और पता नहीं बाहर का मौसम कैसा है वो तो उतरने के बाद पता चलेगा, अंदर तो एसी है तो पता नहीं चल रहा है। जल्दी से फ्रेश होते हैं एंड देन रेडी हो जाते हैं। आप उतर जाओ पहले। तो हम लोग न्यू दिल्ली पहुंच गए हैं और अभी यहां से हमें अजमेरी गेट की तरफ जाना है। सामान हमारे पास तो सिर्फ 2 ही बैग है, तो बस अभी चलते हैं अजमेरी गेट की तरफ, फिर वहां से हम जहां जा रहे हैं वहां के लिए हमें कैब मिलेगी, तो चलो चलते हैं।